दोस्तों, अगर आप YouTube पर सच ढूंढते ढूंढते हमारी इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो 2 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई लोग कैसे हो? आप लोगों की इतनी डिमांड थी कि ये वीडियो मुझे बनाना ही था। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करें, या फिर किसी के क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालकर अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से अगर आप पैसे निकालने जाते हैं तो अगर आप ATM जाकर पैसा निकालते हैं तो वहाँ पर आपको चार्जेस लगते हैं, और इतना ही नहीं डेली बेसिस पे क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, तो आप ATM से पैसे नहीं निकाल सकते। और अगर आप कहीं पर स्वाइप करके पैसे निकालते हैं तो आप जिससे भी स्वाइप करवाएंगे उसको उसके हिसाब से चार्जेस देना होता है, उसका जो भी वो चार्जेस लेता हो। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ्री में ऐसा मेथड बताऊंगा जो कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे बिना किसी चार्जेस के। तो आप जानना चाहते हैं इस मेथड को तो वीडियो को पूरा देखते रहिए बिना स्किप किए। दोस्तों, अगर आपको टेक से जुड़ी हुई वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें वॉलेट का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि पेटीएम, अमेजोन, फ़ोनपे। लेकिन जब हम कभी भी इस वॉलेट के थ्रू पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें वहाँ पर चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि पेटीएम को ही मान लेते हैं, जब भी हम पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड करते हैं क्रेडिट कार्ड से और जब हम इसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो यहाँ पर हमसे पेटीएम चार्ज लेता है, तो इस तरह के ऐप चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर हमें पैसे को फ्री में ट्रांसफ़र करने के लिए दोस्तों एक ऑप्शन निकल के आता है। अब देखा जाए दोस्तों, तो पेटीएम के थ्रू हम पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पर पेटीएम सबसे ज़्यादा चार्ज करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाऊंगा, लाइव फ्री में ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा फ्री में बिना किसी चार्जेस के। तो अगर आपने पेटीएम से पहले किया है तो कोई दिक्कत नहीं, जिन लोगों के पास पेटीएम ऐप नहीं है तो वो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर पेटीएम ऐप को डाउनलोड कर लें। पेटीएम ऐप डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, ये डायरेक्ट चालू नहीं होता है, यहाँ पर आपको KYC करवाना होगा अगर आप पहली बार पेटीएम को इंस्टॉल कर रहे हैं तो। ठीक है, तो पेटीएम को इंस्टॉल करने के बाद आप अपना नंबर वगैरह डालने के बाद इसकी जो भी KYC है वो आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं, और इसके बाद आपको नज़दीकी रिटेलर के पास जाना है या फिर पेटीएम का जहाँ पर भी KYC होता है फिजिकल तरीके से, तो वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लेकर जाना है, तो फिज़िकल तरीके से KYC कंप्लीट करवाना है अपनी। ठीक है, KYC पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद आप पेटीएम की सारी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। तो बिना KYC किए अगर आपने पैसे को ऐड कर लिया तो आपका पैसा यहाँ पर फंस जाएगा, और जब तक आप KYC कंप्लीट नहीं करेंगे तो पैसा भी आप नहीं निकाल सकते। इसके बाद आपको सेकेंड ऐप चाहिए, Zomato। तो आप कहेंगे यार Zomato का क्या काम है यहाँ पर? लेकिन दोस्तों, Zomato ही करेगा यहाँ पर आपका काम। तो आपको प्ले स्टोर में जाके Zomato ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जो कि एक फूड ऑनलाइन ऑर्डर वाला ऐप है। तो दोस्तों, Zomato वगैरह डाउनलोड करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, जो कि पेटीएम मोबाइल नंबर आपका है वही नंबर यहाँ डालकर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों, आपको फर्स्ट काम क्या करना है, Zomato ऐप ओपन करने के बाद यहाँ आपको ऊपर राइट साइड में देखेंगे आपकी प्रोफाइल दिखेगी, तो प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। तो बस पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ नीचे आपको पेटीएम, गूगल पे, UPI यानी UPI वाले जो ऑप्शन है वो देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें पेटीएम, MobiKwik, फ्रीचार्ज, फ़ोनपे ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर आपको पेटीएम का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको लिंक टू पेटीएम वॉलेट करके एक ऑप्शन आएगा, तो आपको लिंक पेटीएम वॉलेट पे क्लिक करना है दोस्तों, जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी लिंक करके रखा है तो इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो लिंक वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यानी वॉलेट में जो आपने नंबर दिया था पेटीएम वॉलेट में वही नंबर यहाँ पर डाल के अपने पेटीएम वॉलेट को यहाँ पर लिंक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पेटीएम का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा यहाँ पर, और इतना ही नहीं आपके पेटीएम वॉलेट में जो बैलेंस है वो भी यहाँ पर शो करता है। जैसे यहाँ पर मेरे पेटीएम वॉलेट में 25 रुपीज़ हैं, तो वो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो। अब पेटीएम वॉलेट को लिंक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पेटीएम के सामने ही देखेंगे आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देता है, तो बस आपको 3 डॉट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे यहाँ 2 ऑप्शन खुलता है, पेटीएम वॉलेट रिचार्ज यानी रिचार्ज वॉलेट, और सेकेंड रिमूव वॉलेट। ठीक है, तो आपको रिचार्ज वॉलेट वाले ऑप्शन पे जाना है यानी फर्स्ट नंबर पे। अब आपको यहाँ पर कितना बैलेंस जो है वो अपने वॉलेट के अंदर यानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको ये कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2000 करना है, 1000 करना है, 5000 करना है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ कि आप 5000 से ज़्यादा एक दिन में पैसे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ठीक है,
5000 से कम ही ट्राई करें, उसके बाद में ट्राई करें। इसकी एक लिमिट है जोमेटो की जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी, यानी 10000 रुपये आप महीना या आपका जो 15000 रुपये महीना जो लिमिट है वो आपको जोमेटो देता है, इससे अधिक आप वॉलेट के अंदर पैसा नहीं कर सकते हो। तो इसकी जो लिमिट है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना बैलेंस ऐड कर लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको 100 रुपये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 100 रुपये जो है ऐड कर रहा हूँ, दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ प्रोसेस, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा बैलेंस ऐड नहीं करना है, तो आपको केवल दिखाने के लिए मैं यहाँ पर 100 रुपये ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पर आप अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर प्रोसेस टू ऐड मनी पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे कि किससे आप अपने अकाउंट वॉलेट में पैसे को ऐड करना चाहते हो। जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हो पेटीएम पेमेंट बैंक है, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद नीचे बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखा रहा है, फिर यहाँ अगर आप नया क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहते हो तो वो सारा ऑप्शन दिखा रहा है, फिर नीचे नेट बैंकिंग है। तो यहाँ पर आपको अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगर ऐड नहीं है तो ऐड करने के बाद, जैसे कि मैंने पहले से ही ऐड कर रखा था, यहाँ पर मेरा क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे 100 रुपये ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं अपने क्रेडिट कार्ड का जो CVV नंबर है वगैरह डाल के यहाँ पे कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर CVV नंबर डाला है तो आपके क्रेडिट कार्ड की तरफ से एक OTP आ जाता है, जो कि 100 रुपये मैंने यहाँ पर ऐड किया, तो जैसे OTP आ चुका है, अब मैं यहाँ पर OTP डाल के पेमेंट को सक्सेसफुल कर देता हूँ। दोस्तों ये करने के बाद अब हमारे पेटीएम वॉलेट में 100 रुपये ऐड हो चुके हैं और मेरे क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये निकल चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर लाइव करने के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ कि प्रोसेस कैसे होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पेटीएम में 125 रुपये हो गए, जो कि पहले 25 रुपये था, तो मैंने 100 रुपये ऐड किया तो 125 हो गया। अब यहाँ से इस ऐप का काम हो जाता है ख़त्म, अब यहाँ पर हम इसे बैक कर देते हैं, ठीक है। जोमेटो ऐप का काम ख़त्म हो जाता है, अब हम अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक में चले जाना है अपने। अब इसके बाद आपको अपने पेटीएम वॉलेट से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, अपने पेटीएम सेविंग अकाउंट में करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना पेटीएम पेमेंट बैंक होगा, तो इसे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों मेरे पेटीएम सेविंग अकाउंट में 7 रुपीस पड़े हैं, जो कि मेरे स्क्रीन पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है सिक्योरिटी की वजह से, तो मैं दूसरे मोबाइल से यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करके पेटीएम वॉलेट से पैसे को ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने पेटीएम वॉलेट से अपने पेटीएम सेविंग अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पेटीएम वॉलेट से पेटीएम सेविंग अकाउंट्स में 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पेटीएम सेविंग अकाउंट में 107 रुपये हो चुके हैं। अब मैं इसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिना किसी चार्जेस के। अब देख सकते हो यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑप्शन आ गया है सिलेक्ट करने का, क्योंकि 107 रुपये हैं, तो यहाँ पर मैं पे पे क्लिक करूँगा। और मैं अपने पेटीएम सेविंग अकाउंट का यहाँ पर पिन डाल देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप पैसे को ट्रांसफ़र कर पाओगे, 5000 से 10000 तक आराम से पैसे को आप अपने क्रेडिट कार्ड से निकाल कर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। और यही काम अगर आप पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते तो आपको जो भी चार्जेस देना पड़ता, यानी 1.5-2.5% जो भी पेटीएम लेता है वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ता। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैंने जो कुछ बताया है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे सेट कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, हैव ए गुड डे।